आज मैं आलू की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जिसे खाना सभी को बहुत पसंद होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ 2 बॉयल आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 2 ही आलू है, एक बड़ा आलू था इसीलिए मैं उसे बीच से काट ली हूँ। तो सबसे पहले आलू को हम अच्छे तरीके से ग्रेट करेंगे। आलू को ग्रेट करने के लिए जो माहीन वाले ग्रेटर आते हैं ना, बस उसी से आप आलू को अच्छे तरीके से ग्रेट कर लीजिएगा। यहाँ पे आलू को ग्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं आलू को अच्छे तरीके से ग्रेट कर ली हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैं इसमें डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच काला नमक और 1/2 छोटा चम्मच जो हम लोग रेगुलर नमक यूज करते हैं, बस वही मैं यहाँ 1/2 छोटा चम्मच डालूंगी। आपको इस रेसिपी को जितना चटपटा बनाना है उसके हिसाब से आप यहाँ मसाले ऐड करें। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। करने के बाद सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। इतने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कीजिएगा कि आलू में एक भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। मैं आलू को अच्छे तरीके से मैश कर ली हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप के करीब बेसन। मैं अब इसमें डालूंगी 3 से 4 बड़ा चम्मच चावल का आटा। आपके पास चावल का आटा है तो इस रेसिपी में आप ज़रूर चावल का आटा इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, लेकिन इस रेसिपी को कुरकुरा बनाने के लिए चावल का आटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बेसन और चावल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे, यानी कि आटा जैसा इसको बिल्कुल भी नहीं गूंथना है। सभी चीज़ों को बस अपने हाथों से अच्छे तरीके से मसलते रहिए और मसल मसल के इन्हें चिकना कर लीजिए, बस यही ज़रूरी है, इसे गूंथिएगा मत। मैं इसे मसल मसल के चिकना कर ली हूँ। अब मैं इसमें फिर से डालूंगी 1 बड़ा चम्मच तेल, क्योंकि हम इसे बहुत सॉफ्ट बनाया है तो ये हाथों में चिपकेगी, इसीलिए अब हम इसमें तेल डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा और सॉफ्ट बन जाए और चिकना हो जाए। इतना ही सॉफ्ट आपको इस डो को रखना है, इससे हार्ड बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हम इसे बहुत अलग तरीके से बनाने वाले हैं। तो इतना ही सॉफ्ट आप इस बेसन और मतलब चावल के आटे को डो के रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपके घर में इस तरीके का बोतल ज़रूर होगा, तो सबसे पहले इस बोतल को अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए और इसे धूप में सुखा दीजिए। धूप में सुखाने के बाद ही आप इस रेसिपी में इस बोतल का इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे पहले इस बोतल में मैं डालूंगी 1 चम्मच के करीब तेल। बोतल को राउंड राउंड घुमाते हुए तेल को चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जब हम बैटर डालें तो बैटर बोतल में जाके चिपके नहीं। अब फिर से लगाइए हाथों में थोड़ा सा तेल और डो को ले लीजिए। डो को लेने के बाद कुछ इस तरीके से कर लीजिए, लेकिन इस तरीके से करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुछ नहीं करना है, बस अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा डो लेते जाइएगा और इस डिब्बे के अंदर भरते जाइएगा। रेसिपी को बनाने के लिए बस इसी स्टेज पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि हमने जो बैटर बनाए हुए थे वो सारे बैटर इस बोतल के अंदर हमें डालना है। बट उतना भी हार्ड नहीं है, बहुत आसानी तरीके से आप इसे बोतल में भर सकते हैं। बस एक चम्मच ले लीजिए और चम्मच की मदद से इस बटर को अंदर करते जाइएगा। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं इस बटर को भर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से भर के रेडी कर लेना है। तो देखिए मैं सारे बटर को बोतल के अंदर डाल ली हूँ। तो चलिए अब इस बोतल का जो ढक्कन होता है अब मैं उसको आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इस बोतल के ढक्कन में मैं छोटा छोटा सा छेद की हूँ, एकदम माहीन माहीन छेद कीजिएगा। आपको जितना माहीन इस रेसिपी को बनाना है ना, उतना माहीन इस बोतल के ढक्कन में छेद कीजिएगा। सबसे पहले ढक्कन में थोड़ा सा तेल लगा के उसे ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि बैटर हमारे ढक्कन में चिपके नहीं। तो चलिए अब हम बनाते हैं रेसिपी। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल रखिएगा और तेल एकदम अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिएगा। तो देखिए बोतल को दबाते हुए हम इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए इसकी आलू का सेव जैसा बनता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम बना के रेडी करेंगे। तो देखिए इसे डालने के बाद बिल्कुल भी तुरंत मत पलटने लगिएगा, क्योंकि ये अपने आप जब सीख जाएंगे ना तो कढ़ाई के ऊपर आने लगता है। बस गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे इसे बहुत अच्छे तरीके से आप फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए ये जैसे भी जैसे सीख जाते हैं कढ़ाई मतलब तेल के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इनकी एक एक लेयर बनी है, आपको यकीन नहीं होगा कि आप इसे बिना मशीन के बनाए हैं। लोगों के पास मतलब सेव बनाने वाली मशीन नहीं होती है, तो इस तरीके से जब भी आपको आलू का सेव खाने का मन हो तो इस तरीके से बनाइएगा।
बस ध्यान एक ही बात का दीजिएगा कि जो आप बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं वो बोतल हार्ड नहीं होनी चाहिए, वो सॉफ्ट बोतल का आप इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए मैं एक बैच को फ्राई कर ली हूँ, तो चलिए अब सेम प्रोसेस से मैं सभी को फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। लीजिए हमारा तैयार हो गया है आलू का चटपटा सेव भुजिया। यकीन नहीं मानिएगा कि आलू का सेव भुजिया खाना सभी को बहुत पसंद होते हैं, बस मशीन नहीं होने के कारण वो मार्केट से खरीद के खाते हैं। तो आज के बाद जब भी आपको आलू का गुजिया यानी कि भुजिया खाने का मन हो तो आप इसी तरीके से अपने घर में बनाइएगा। चलिए इस सेव भुजिया को मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो देखिए आप इसको थोड़ा सा भी हाथ में लीजिएगा ना तो ये इधर से उधर गिरने लगता है, ये इतनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ये आलू सेव भुजिया। आज से जब भी आपको सेव भुजिया खाने का मन हो तो घर में ही बनाइए। तो चलिए कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की ये मेरी रेसिपी आप लोगों को सही में पसंद आई होगी ना तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं अपने चैनल पे बहुत मेहनत करती हूँ, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए या आप भी इस तरीके से सेव भुजिया बनाइए और अपनी फैमिली में इंजॉय कीजिए।